बिहार कैमूर से पिंटू तिवारी पत्रकार की खास रिपोर्ट। थाने में शराब विनिष्टीकरण को लेकर अंचलाधिकारी ने क्या कहा, जाने इस खबर में। कैमूर जिले से इस वक्त एक खबर आ रही है, जहां दुर्गावती थाना परिसर में वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर शनिवार को 4 बजे शाम अलग अलग 3 मामलों में जब्त 154 लीटर देसी व अंग्रेजी शराब को नष्ट किया गया। बता दें कि कैमूर जिले में काफी मात्रा में शराब बरामद किया जा रहा है, जिसे देखते हुए थाने में ही शराब को नष्ट किया जा रहा है। इसी क्रम में दुर्गावती थाना परिसर में शनिवार को शाम 4 बजे 3 कांडों में जब्त 154 लीटर शराब को नष्ट किया गया। यह शराब अलग अलग 3 मामलों में जब्त किया गया था। इस संबंध में अंचलाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि अलग अलग 3 मामले में 154 लीटर शराब जब्त किया गया था, जिसे आज थाना परिसर में नष्ट किया गया। इस मौके पर अंचलाधिकारी दुर्गावती लक्ष्मण सिंह, थानाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह एवं उत्पाद विभाग के पदाधिकारी नितेश कुमार उपस्थिति रहे। परिसर में विभिन्न कांडों में जब्त शराब का विनष्टीकरण किया गया। कुल जब्त शराब जिसका विनष्टीकरण आज थाना परिसर में किया गया 154.405 लीटर है, जिसका पूर्ण रूप से विनष्टीकरण किया गया। सर कितने कांडों में था? लगभग 2 कांडों में। कितने Oh.